हेलो, मैं वरिष्ठ कुमार और ये हमारी वाइफ प्रिया सिंह। आइए, आज हम आप लोगों को अपना असली घर घुमाते हैं। ये हमारा ससुराल है और वो जहाँ हम लोग रहते हैं वो इनको कंपनी प्रोवाइडेड रूम है वो, और हमारा असली घर यहाँ मिर्ज़ापुर में है जो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आइए फिर ले चलते हैं आपको। आइए हम आप लोगों को अपना घर दिखाते हैं। ये जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर है ये हमारी शादी के टाइम पे ही कंप्लीट हो गया था, और ऊपर वाला फिर फर्स्ट फ्लोर अभी बनना स्टार्ट हुआ है 6 महीने पहले, पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ आए थे तो सोचे कि आप लोगों को दिखा देते हैं अपना घर। ये हमारी यहाँ पर कार खड़ी है और बाकी अंदर सब सामान इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। काम करने वाले आते हैं तो उनके सामान हैं, और सब गिट्टी सीमेंट बालू जो भी है सब ऊपर वाले फ्लोर पर पड़ा हुआ है। और इधर दुकानें हैं, 4 दुकानें इस साइड हैं और 4 इस साइड। ये सब बुक हैं सब, अभी सुबह सुबह का टाइम है तो खुली नहीं है दुकानें, सब रेंट पर दिया गया है। आइए आप लोगों को अंदर का दिखाते हैं। ये वीडियो हम लोगों ने रात में बनाया था अंदर का, नीचे का। इसमें 2 फ्लैट हैं, दोनों सेम हैं, सेम डिज़ाइन सेम साइज सेम कलर, और यहाँ पे 2 सीढ़ियाँ हैं दोनों फ्लैट पे ऊपर जाने के लिए। और इधर का फ्लैट जो है हम लोगों ने रेंट पे दिया हुआ है, तो सारे अंदर किराएदार लोग हैं तो वो हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सेम है तो एक ही फ्लैट दिखाते हैं, दोनों क्यों दिखाएं। ये सब किराएदार लोग अपना रहते हैं, अपना सब बनाए हैं। बाकी आइए इधर का फ्लैट दिखाते हैं, इस साइड का जिसमें हम लोग पर्सनल यूज करते हैं, हम लोग रहते हैं अपना, मम्मी पापा रहते हैं, हम लोग तो रहते नहीं। और ये है हमारा गेस्ट रूम। आइए आप लोगों को अंदर ले चलते हैं। ये चैनल और ये बीच का बरामदा टाइप बना है, और अंदर 4 रूम है गेस्ट रूम को लेकर के। यहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ है और वॉशिंग मशीन, यहीं पे कूलर रखा हुआ है एक। बाकी आइए हम आप लोगों को, इधर भी कुछ सामान रखे हुए हैं, यहाँ पे मम्मी अपना रहती हैं, अपने हिसाब से सब एडजस्ट की हैं जो जहाँ रखना है। ऊपर ये बना हुआ है सामान कुछ रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। बाकी अब आइए आप लोगों को किचन दिखाते हैं। ये है हमारा किचन, यहाँ पे बर्तन स्टैंड सब, मम्मी अपना रहती हैं तो अपना सब की हैं, हम लोग तो आते हैं कभी साल में 1-2 दिन के लिए। बाकी देख लीजिए ऐसे ही सब रखा हुआ है, एक सिलेंडर, नीचे डस्टबिन है, और बाकी ये देखिए हीटर है, हीटर पे भी कभी कभी यूज़ आ ही जाता है। और ऊपर के रैक पे ये सब सारे डब्बे रखे हुए हैं अपना, और नीचे ये फिल्टर पानी का, और सब सामान बस ऐसे ही सब रखा हुआ है किचन में। ये है फ्रिज, और चलिए आप लोगों को अब दिखाते हैं हम अपना बेडरूम, जिसमें हम मेरा यूँ बोलिए कि मेरा फर्स्ट बेडरूम है। यहाँ पे खिड़की है, और बाकी सब ऐसे ही है, कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही सब रखे हुए हैं। ये मेरे शादी का बेड है और ड्रेसिंग टेबल है, हम लोग तो वहाँ पे नया ले लिए, सब यहीं पे अपना रखा है, आते हैं तो यूज़ तो होता ही है। बाकी ये है अलमीरा रैक, इसमें ऐसे ही सब सामान पड़े हुए हैं, अभी हम लोग आए हैं तो सब ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। और वो देखिए सब ऐसे ही सामान पड़े हुए हैं, अभी कल हम लोगों को निकलना है तो सब पैकिंग अभी होगी। आइए अब आप लोगों को दिखाते हैं अपनी सासू माँ का बेडरूम। वैसे तो वो रहती हैं हमारे ही बेडरूम में, लेकिन जब हम लोग आते हैं तब फिर वो इस रूम में अपना शिफ्ट हो जाते, बस ऐसे ही 1-2 दिन के लिए।
तो इसमें भी बस ऐसे ही रखा है, एक अलमीरा है और ये बक्सा रखा हुआ है, और फिर बस ऐसे ही छोटा सा इसमें रैक बना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं, सब रखे हुए हैं सामान। इसके बाद साइड में ये अंदर है, ये स्टोर रूम टाइप का है। फिलहाल कोई अभी रहता नहीं है यहाँ पे, तो ये रूम स्टोर रूम ही बना हुआ है। इसमें सारे स्टोर की सामानें रखी जाती हैं। ये देखिए ऊपर एक रैक है, इसमें भी कुछ सामान रखा हुआ है। बाकी ये सामने जो दिख रहा है ये टॉयलेट है। ये बाथरूम दिखाते हैं, ये यहाँ पे बाथरूम है। ये है वॉश बेसिन, और ये डोर जो दिख रहा है गेस्ट रूम का है, दोनों तरफ से था। और बस आइए अब आप लोगों को लेके चलते हैं पीछे, वहाँ का भी दिखा देते हैं। ये सामने एक बाथरूम है और एक टॉयलेट रेंट वालों के लिए। और फिर इधर ही मम्मी थोड़ी बहुत सब्जियाँ लगाई हुई हैं। इधर भी देखिए सब अपने कपड़े फैलाए हैं किराएदार, वो देखिए सब्जी लगी हुई है सब अच्छी खासी। आइए अब आप लोगों को लेके चलते हैं छत पर, ऊपर का फ्लोर दिखाते हैं। जो ये देखिए दो सीढ़ियाँ हैं, एक सीढ़ी इधर को है और एक सीढ़ी इधर को गई है। चलिए लेके चलते हैं आपको ऊपर, सब काम लगा हुआ है, सब सामान बिखरे हुए हैं, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बन गया है, प्लास्टरिंग का काम चल रहा है। तो ऊपर का फ्लोर रेंट पे देने के पर्पस से बनाया गया है, उसी तरह डिज़ाइन किया गया है। सब चार फ्लैट इधर हैं इस साइड, और चार फ्लैट इस साइड हैं। चलिए आप लोगों को एक में घुस के दिखाते हैं, सब सेम डिज़ाइन के हैं। तो चलिए देखिए काम लगा हुआ है, अंधेरा है अंदर, चलिए बाहर वाले में थोड़ा सा उजाला है, इसी में आप लोगों को चल के दिखाते हैं डिज़ाइन कैसे बना हुआ है। ये बाहर का हॉल हो गया। इसके बाद यहाँ पे है बाथरूम, उसके बाद किचन है, ये हो गया बेडरूम। सब बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ये ऊपर एक रैक बना हुआ है, फिर आइए आप लोगों का भी बालकनी दिखाते हैं। इधर ये देखिए बालकनी है, ऊपर से नीचे देखने में कुछ इस तरह दिखता है। ये देखिए पीछे का, ये सीढ़ी वाला रूम है जो कि थोड़ा सा कुछ अलग डिज़ाइन किया गया है। आइए दिखाते हैं, इसमें सबसे पहले आपका ये बाथरूम आएगा, उसके बाद यहाँ पे किचन है, और ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे बचा हुआ है, और ये बेडरूम है। ऐसे ऐसे आठ फ्लैट बने हुए हैं ऊपर। आइए आप लोगों को दिखाते हैं ऊपर से नीचे का सीन कैसा दिखता है। देखिए कितना हरा भरा, गांव में कितना अच्छा लगता है सब कुछ।
चलिए अब आप लोगों को ले चलते हैं छत पर, सबसे ऊपर। यहाँ पे जाने के लिए ये सीढ़ी है, यहाँ भी दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो चलिए ऊपर ले चलते हैं। ऊपर से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो फर्स्ट टाइम हम लोग ऊपर आए हैं, जब से काम लगाया घर में स्टार्ट हुआ है काम, उतना नहीं आए थे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। वो देखिए सामने रोड है, ये रोड बनारस जानती है, बनारस हाईवे है। वो देखिए पहाड़ सब, कितना अच्छा लगता है। ये देखिए सबसे ऊपर से सामने का सीन, आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये घर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बाय।